मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर जिले की हृदय स्थली मोती झील में आज उत्सव जैसा माहौल था। जी हां, सही सुना आपने, मुजफ्फरपुर जिले के भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट मोती झील में 9 दिवसीय खादी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। लेकिन इस मौके पर एक बात बहुत खास लगी कि जिले के वरीय पदाधिकारी लापता थे, वहीं विपक्ष के विधायक विजेंद्र चौधरी ने बिहार सरकार के मंत्रियों को बुकेट देकर अभिवादन किया, साथ ही यथोचित सम्मान भी दिया। साथ में पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा एवं सैकड़ों जदयू बीजेपी के नेतागण और मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र के साथ साथ सुदूर इलाकों से भी आए गणमान्य लोग उपस्थित थे। लगभग 9 दिनों तक चलने वाले खादी मेले एवं प्रदर्शनी में आज जश्न जैसा माहौल था तथा बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, गोपालगंज सहित अन्य जिलों से भी खादी ग्राम उद्योग का काउंटर लगाया गया है, जिसमें खादी के कपड़ों के साथ साथ अचार, पापड़, लहठी आदि अनेकों सामान का काउंटर लगाया गया है, जिसका निरीक्षण बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा किया गया। लेकिन कहीं न कहीं कोरोना गाइडलाइन की धज्जिया उड़ाते लोग नजर आ रहे थे। भले ही लोगों के मुंह पर मास्क तो था, लेकिन 2 गज की दूरी आप वीडियो देखकर ही समझ सकते हैं। जहां बिहार के सीएम हाउस तक कोरोना अपनी दस्तक दे चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ उनके परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, वहीं बिहार सरकार द्वारा आम जनता के लिए कोरोना की गाइडलाइन जारी किया गया है। लेकिन सरकारी आयोजन, नीतीश कुमार की सभा एवं मंत्रियों की यात्राओं पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। जरा सोचिए, क्या सरकार के सभाओं या इन मेलों से कोरोना नहीं फैलेगा? देखिए, खादी तो अपने आप में एक अस्त्र और शस्त्र रहा है अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, और बाद के दिनों में ग्रामीण परिवेश में खादी ने एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अहम भूमिका अदा की है, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इसे समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा की। और बिहार में माननीय उद्योग मंत्री को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उन्होंने पूरे उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्र से लेकर ग्रामोद्योग ऐसे और जो हैंडलूम है, पावरलूम है, हैंडलूम है, विशेष रूप से उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से अपने विभाग की ओर से इस तरह के कार्यक्रमों को करके खादी को आम जनों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अरे भाई, मैं उप मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने व्यस्त समय से वक्त निकालकर खादी मेला के उद्घाटन के लिए गए। जहाँ भी खादी मेला होता है, ये तीसरा है। पहला सिवान में हुआ, दूसरा आड़ा में हुआ, तीसरा यहाँ हुआ। इसी फॉर्मेट में हम लोग मेला हर जगह करते हैं। ये बिहार सरकार की तरफ से, बिहार खादी बोर्ड की तरफ से मेला आयोजित होता है, और इसमें पूरे बुनकर आते हैं, उनकी मदद होती है। और जो महात्मा गांधी के सपनों का भारत है, उसको बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये 10 दिन तक चलेगा, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जोड़ा गया है। यहाँ जो लोग, मुजफ्फरपुर शहर के लोगों से अपील है कि आप खादी मेला में आइए, और यहाँ बुनकर की मदद होगी जब आप यहाँ खरीद करेंगे। आपने कहा 2 लाख रोजगार देंगे साल भर में, क्या ये कैसे ही? वो तो जो कहा उसने लिया सर, एक सौ क्या नाम हुआ? अखलाक। कहाँ से आए आप? भागलपुर। ये खादी का क्या है आपका, अपना फैक्ट्री? हाँ, है अपना मैन्युफैक्चर। क्या नाम है फैक्ट्री का? सलमान हैंडलूम। यहाँ कितने दिन तक रहिएगा? 10 दिन। 10 नहीं, आज ही उद्घाटन है ना? हाँ, आज उद्घाटन। कि इसमें क्या क्या रेंज का है, कितने कितने रेंज का? इसमें 2000 से लेके 6000 तक। कोई भी व्यक्ति आके ले सकते हैं? कोई भी ले सकते हैं।